तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के नेताओं का दौरा कार्यक्रम लगातार जारी है। बीजेपी की ओर से दिग्गज लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 27 सितंबर को यानी कि कल रीवा के सिरमौर पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव पार्टी की ओर से बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन का कहना है कि पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर हर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। जनता भी हमें तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है और कांग्रेस का यहां मानना है कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, मगर उनके इस तरह के दौरे से कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को नुकसान होने वाला है। बीजेपी का कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ेगी। तो दौरा अखिलेश जी का मध्य प्रदेश का दौरा है, कुछ ना कुछ नया गुल खिलाएगा। जो भी कोई भी बीजेपी के खिलाफ आज मैदान में आएगा उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का एकमात्र विकल्प है यहाँ पर। तो अखिलेश यादव टिकट किसको बांटेंगे? कांग्रेस के खिलाफ बांटेंगे स्वाभाविक बात। इंडी गठबंधन नाम का कोई गठबंधन है ही नहीं, ये तो एक आई वॉश है, ये एक गिमिक है और मीडिया हेडलाइन हंटिंग है।